एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट कि इस वीडियो में बॉलीवुड के काफी नोन पर्सनालिटीज थे और मलाइका अरोरा भी, बट भाई नहीं था, क्योंकि भाई ये सब नहीं करता, भाई का ड्राइवर करता है। आई मीन मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लीवुडी गाय। बॉलीवुड का टाइटल दिखा नहीं कि तुम लोग फटाक से वीडियो पर क्लिक करके आ जाते हो। So, मैंने बहुत टाइम से बॉलीवुड पर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले एक दो महीने से बॉलीवुड की बात करो तो ड्रग्स का ही टॉपिक आता है, और मुझे ड्रग्स वगैरह के बारे में बात करने में अजीब बात इंटरेस्ट नहीं है। और इस बॉलीवुड के ड्रग्स के केस में तो एक के बाद एक नाम बाहर आते ही जा रहे हैं। न्यूज खोलो तो पहले शुरुआत हुई रिया चक्रवर्ती से, उसके बाद रकुलप्रीत सिंह का नाम आया, फिर करण जौहर, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर भी। So honestly speaking, मैं इन चूतियों, I mean, चीजों को वैल्यू ना देते हुए मूव ऑन होना चाहता था, पर उतने में मुझे एक वीडियो मिला अक्षय कुमार का। अब उस वीडियो में एग्जैक्टली क्या है वो हम एक साथ मिलकर देखेंगे, पर उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि अब 63,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है। और मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। हाँ ठीक है, अगर तैयार हो तो चलिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब बॉलीवुड में नशा चलता था। ओ सॉरी, आई मीन ये इस जमाने की बात है जब बॉलीवुड में नशा चलता है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलेगा। एंड वी नो कि इस घटिया हरकत में सबके सब इन्वॉल्व नहीं है, इनफैक्ट हमें आइडिया भी है कि आखिर कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम सब ने मिलकर ये वीडियो तो देखा है। यो यो यो, चरस रंग्या मेरे को प्यारा, चरस रंग्या मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर, पता है मैंने क्या बोला? चरस रंग्या मेरे को प्यारा, चरस रंग्या मेरे को प्यारा। अब आखिर इस वीडियो में कौन कौन थे? दीपिका, ऑनेस्टली मैं सबसे पहले तो रणवीर सिंह को एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा पब्लिक में ये 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 और ये सब पहनकर नहीं घूमता। सी, This is my favorite thing about Arjun Kapoor. उधर भी same expressions. ये बंदा ना बॉलीवुड का सुनील नारायण है, फर्क सिर्फ इतना है कि SRK इसे 2 रुपए भी नहीं देगा। कुछ स्टार किड्स भी दिख रहे हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये सच्ची एक ड्रग पार्टी है तो कौन चूतिया वीडियो निकाल रहा है? Wait a minute. अरे अपने करण जोकर, आई मीन करण जौहर ने वीडियो निकाला, पर क्यों? Why? Because fuck 'em, that's why. And I genuinely appreciate कि इस वीडियो में बॉलीवुड के काफी नोन पर्सनालिटीज थे और मलाइका अरोरा भी, बट भाई नहीं था, क्योंकि भाई ये सब नहीं करता, भाई का ड्राइवर करता है। अभी मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं आखिर कौन से न्यूज के सोर्स को ट्रस्ट करूं अबाउट दिस बॉलीवुड ड्रग्स केस, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बॉलीवुड के गुड बॉयज कुछ तो मुंह खोले। और जब मैंने बॉलीवुड के इन गुड बॉयज से होप छोड़ दिया था, उतने में अक्षय कुमार ने एक वीडियो डाला। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए, लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, कितना बोलूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं,
लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। सबसे पहले तो अक्षय कुमार जी का फिटनेस से प्यार देखो, वीडियो निकाल रहे पर वो भी जिम में। नो वंडर आप 50s के एज में भी 30s के लगते हो। जब जब हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई, जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे, इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो, या फिर करप्शन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है। सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं, जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सबको, और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है, जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखकर और सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि एक बंदे में तो हिम्मत है, एंड वी ऑल नो कि अक्षय कुमार खुद ये सब चीजों में बिल्कुल नहीं है। ही इज फिट, ही डजंट ड्रिंक स्मोक, टाइम पे सोना, उठना, नो बॉलीवुड पार्टीज, और सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। जैसे नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है, मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है। ओ भाई, ये बंदे में हिम्मत है। अक्षय कुमार से पब्लिक काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि हम सब बोल रहे थे कि अक्षय कुमार जी आप कुछ तो बोलिए, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, और इसलिए उन्हें पब्लिक से क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा। बट ये सब के बाद उन्होंने फाइनली एक वीडियो डाला, और ये देखकर हम सब तो मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मालूम है हमें सर, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, इनफैक्ट जॉन अब्राहम खुद भी इन्वॉल्व नहीं होगे, एंड एज आई प्रीवियसली सेड भाई भी नहीं, क्योंकि भाई का ड्राइवर होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है, वो बिल्कुल सही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगा, पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है, ये तो गलत है ना। करेक्ट है, मैं अग्री करता हूँ कि सब बुरे नहीं होते, और सिर्फ मैं ही नहीं, आई एम श्योर आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे। कुछ हरामखोर है पर कुछ अच्छे भी है। मैंने सिर्फ हरामखोर बोला, वो फोटो आपके दिमाग में आया। मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है। हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए, तो शायद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसाफ। मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखे, लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन, बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। आई होप ये बात कोई राजीव नापसंद को समझाए, जिसने मल्टीपल एक्टर्स के बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे और उनके इमेजेस स्पॉइल किए, इंक्लूडिंग सुशांत सिंह राजपूत। और आखिर में आप फैंस, आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि यार, आप सब नहीं तो हमें बनाया है, आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराजगी है, तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की। आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे। यार आप हो तो हम हैं, बस
साथ निभाए रहना, साथ बनाए रखना, बस। थैंक यू वेरी मच यार। ये बात ना दिल को छू गई। नहीं मतलब अक्की सर कितने हम्बल इंसान है और प्रोबेबली एक अकेले से स्टार है जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया और एक स्टैंड लिया, बहुत लेट पर एटलीस्ट लिया। एंड वी ऑल न्यू कि बॉलीवुड में ड्रग्स का इशू है, मतलब जिस इंडस्ट्री में दबंग जैसे मूवीज रिलीज होते हैं उधर तो चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अब जब मैंने वीडियो सबसे पहली बार देखा तब तो मैं सिर्फ बैठ के सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ रहेगा कि अक्षय कुमार ने अचानक से एक वीडियो डाला और हम सबका दिल जीत लिया। अब मैं ये सोच ही रहा था और उतने में मुझे ये दिखा, मार्केट। ये भी पीआर स्टंट था। मुझे बाद में पता चला कि ये सब एक पीआर स्टंट था ताकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिले और लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के साथ सब लोग हमदर्दी दिखाए, बेसिकली ताकि हम सब मिलकर इसकी सड़क टू जैसी हालत ना करें। और जैसे ही लोगों को ये पीआर के ट्रिक के बारे में पता चला, लोग ट्रोल करना, मीम्स करना सब शुरू हो गए। बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। मैं खुद ट्रेलर पर गया देखने के लिए कि आखिर डिसलाइक्स कितने हैं। आप लोग गेस करो, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, गेस करो, क्योंकि और चॉइस भी नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स का डेटा हिडन रखा है, गेस ही करना पड़ेगा। मतलब इतना खौफ। एंड आई डोंट थिंक कि लोग अक्षय कुमार से इतनी नफरत भी करते थे। हाँ मतलब अक्षय कुमार तो अच्छे फिल्म्स बनाते हैं, हेरा फेरी जैसे, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं करते, चैरिटीज करते हैं भाई की तरह, एंड एट द सेम टाइम भाई की तरह गाड़ी भी नहीं चलाते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसके बावजूद उन्हें डर था कि हम उनके ट्रेलर पर जाके डिसलाइक करके उस ट्रेलर की वाट लगाएंगे तो अब क्या बोले हम। मतलब आई एम श्योर कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने बोला रहेगा कि हाँ मालूम है अक्की सर है तो कोई कॉन्ट्रोवर्सीज तो नहीं हो गए, पर लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो हिडन रखना है क्योंकि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सो सच बोलूं तो मैं इस ट्रेलर को रोस्ट नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फिल्म ट्रांसजेंडर्स को पोर्ट्रे कर रही है, विच इज वेरी रेयर इन बॉलीवुड। और ये अच्छी बात है कि बॉलीवुड में उन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई बिलीव कि ट्रांसजेंडर्स के साथ हिस्ट्री ने काफी नाइंसाफी की है। अब रही बात लक्ष्मी बॉम्ब की मूवी के ट्रेलर की, सच बोलूं तो मैंने ये ट्रेलर अब तक नहीं देखा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं देखूंगा भी या नहीं, बट आई अप्रिशिएट अक्षय कुमार फॉर टेकिंग अप सोशल कॉजेस एंड मेकिंग फिल्म्स लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन एंड हेरा फेरी। बट अक्षय सर अगर ये चीज आपने पीआर स्टंट के वजह से किया है तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं था। गाइज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, वॉज दिस अ पीआर स्टंट या फिर ये जस्ट ए कोइंसिडेंस था। ऑल्सो आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं इस मूवी का ट्रेलर को देखूं और एक्चुअली रोस्ट करूं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आई एम सॉरी बट आई डोंट फाइंड इट राइट कि मैं ट्रांसजेंडर्स के रिलेटेड किसी भी चीज पर एक भी मजाक करूं। बट मैं तो ब्लू आर्मी को अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों को लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर का रोज चाहिए तो आपके लिए एक छोटू सा सरप्राइज है। ब्लू रेड गाइस तुझसे नहीं बोला जा रहा तो तू मत बोल, मैं तो बोलूंगी क्योंकि मुझसे ही रुका जा रहा। यार तू टीजर देख एक बार, टीजर देख के लग रहा है कि भाई इस मूवी में फुल ऑन सस्पेंस, इस मूवी में फुल ऑन हॉरर। नहीं मुझे लगा इस बारी तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड, मतलब ये मूवी तो हॉलीवुड मूवीज को ही पीछे छोड़ देगी। Two days later. और फिर आया इसका ट्रेलर। और सारे मूड की हो गई माँ बहन। बत्तो थारा मूड खराब कर दिया। और ये स्क्रिप्ट राइटर कौन सस्ते नशे करके स्क्रिप्ट लिखते हैं? भाई तुमने टीजर में हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पहुँचा दी और ट्रेलर में टट्टी दह पेशाब दह टट्टी दह पेशाब। और ये कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, पहले बियॉन्से शर्मा जाएगी और अब इस मूवी में लैदू तेनू बुर्ज खलीफा, गोलगप्पा है कि जो हर रेडी में मिलता है, शेखिया मारो कोई दिक्कत नहीं है बट औकात में मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इतने टाइम बाद लगा था कि अक्षय सर की कोई अच्छी मूवी आने वाली है पर दिल टूट गया और नहीं हुआ।
वेल, अगर आप लोगों को रोस्टर गर्ल संजू का वीडियो पसंद आया देन गो ऑन दैट चैनल एंड सब्सक्राइब टू हर, और ब्लू वुडी गाय को भी सब्सक्राइब कर दो यार, 63,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच रहे हैं, सो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो। ऑल्सो आप लोग कमेंट करके बता दो कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। ब्लू आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, बाय।